हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल निशा की रसोई। जैसा कि आप जानते हैं, अभी विंटर चल रहा है और कॉर्न बहुत ज़्यादा मार्केट में आई हुई है। तो आज जो हमारी रेसिपी है वो साउथ इंडियन रेसिपी है, जिससे मैं कॉर्न के क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ा बनाने जा रही हूँ। ये साउथ में बहुत ज़्यादा बनाते हैं और ये बहुत टेस्टी भी लगता है। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। ये मैंने 2 कप स्वीट कॉर्न लिया है, जिसको कि मैंने अच्छे से फ्रेश धो के साफ करके रखा है। इसको अब हम मिक्सर जार में डालेंगे। इसमें मैं डालूंगी जिंजर का पीस, 2 मैंने ग्रीन चिलीज लिए, ये थोड़ा सा करी लीव्स है, ये अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो ऑप्शनल है। और ये मैंने कोरिएंडर लीव्स लिया है, इसको डाल के अब हम इसको पीस लेंगे। इसमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये इस टाइप से हमें पीसना है, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक एकदम पेस्ट मत कीजिए। ऐसे में एक दो कॉर्न ऐसे दिख भी रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। देखिए, अब ये जो हमारा बैटर है, इसके अंदर अब हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन, मैंने ग्राम फ्लोर डाला है, और 1 चम्मच में इसके अंदर 2 चम्मच इसमें मैं राइस फ्लोर डालूंगी। राइस फ्लोर डालने से क्या होगा, इसमें जो क्रिस्पीनेस है ना वो बहुत अच्छी आएगी। और इसके अंदर अब हम डालेंगे सॉल्ट। राइस फ्लोर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बेसन डाल के भी काम चला सकते हैं, टेस्ट में कोई खास फर्क नहीं आएगा, बस क्रिस्पीनेस जो होती है वो राइस फ्लोर से होती है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ये देखिए, पूरा मिक्सचर मेरा तैयार हो गया है। मैंने जो यूज किया ये स्वीट कॉर्न है, तो ये बहुत ज्यादा नेचुरली मीठे होते हैं, तो इसमें मैंने शुगर नहीं डाली है। अगर आपके पास में कोई दूसरे भुट्टे मिलते हैं ना, कई बार नहीं मिलता है स्वीट कॉर्न, और दूसरा भुट्टा हमने लिया तो उसके अंदर आप थोड़ा सा शुगर डाल सकते हैं, उससे क्या होगा टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अब ये तैयार हो गया बैटर, हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया, तो चलिए अब हम इसके पकौड़े बनाने शुरू करते हैं। ये देखिए, तेल मेरा गर्म हो गया अच्छे से, अब हम इसके अंदर हमारे पकौड़े छोड़ेंगे। ये देखिए, वैसे रेड होने लगे हैं हमारे, अच्छे से जब रेड हो जाए ना उसके बाद में हम इसको निकाल लेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है पर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अभी ये ठंड के मौसम में मकई के पकोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए, अब अच्छे से ये रेड हो गए, मैंने गैस एकदम से कम कर दी, अब हम इसको निकाल लेते हैं। और इसी तरह से अब हमारे जो बाकी के बैटर हैं उसके भी हम पकौड़े ऐसे बना लेंगे। ऐसे 1 सेकंड के लिए आप ऐसे पकड़ के रखें तो एक्सेस ऑयल जो है वो पूरा निकल जाएगा। देखिए, अब हमारे पकोड़े पूरे तरह से तैयार हो गए, ये मैं आपको एक तोड़कर बताती हूँ। ये देखिए, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे बने हैं, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर एक तुलसी का पत्र रखेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। आप भी अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। हरे कृष्णा।